एस्ट्रो राघु चैनल में आप सभी का स्वागत है। संतान प्राप्ति को दुनिया में सबसे अधिक सुखदायक माना गया है। हर कोई चाहता है कि हमारे संतान हो, अच्छी संतान हो, और जो हमारा अंतिम समय में देख रेख करे, हमारा ध्यान रखे। प्रत्येक दंपत्ति की यही इच्छा होती है कि उसके घर पे अच्छी संतान हो, जिससे वो आनंद अनुभव कर सकें। और इसी चाहत में विघ्न तब पड़ जाता है जब पति पत्नी को इस बात का पता चलता है कि वो संतान का सुख पा ही नहीं सकते हैं। आज हम अपने अष्टो राघव चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि क्या कारण होता है कि उनको संपत्ति मिल जाती है, धन मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, पर संतान प्राप्ति क्यों नहीं होती। इस खास हम आज वीडियो में यही बताने वाले हैं कि सुख ना पाने के मुख्य कारण क्या है, संतान प्राप्ति के अचूक उपाय क्या हैं। जान लेते हैं संतान प्राप्ति ना होने के ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं। दंपत्ति की कुंडली में नाड़ी दोष होने पर संतान नहीं होती, और यदि होती भी है तो उसमें शारीरिक विकार होता है। इसलिए वर और कन्या दोनों की कुंडलियां जो है विवाह से पहले मिलान कराएं, और अगर किसी प्रकार का उपाय निकलता है तो उपाय कर लें। परिवार में पितृ दोष लगने के कारण संतान प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पति का शुक्र ग्रह उचित स्थिति में नहीं होता तो संतान का सुख नहीं मिलता है। पत्नी का बृहस्पति अगर नीच का हो तो ऐसी स्थिति में संतान नहीं होती है। अब हम अपने अष्टो राघव चैनल के माध्यम से संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जो आप लोग साधारणतः घर पे कर सकते हैं, और उसका उपाय करके आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करें, देवी को संतान के लिए जो है प्रार्थना कीजिए। अहोई अष्टमी की रात्रि को राधा कुंड में जाकर के स्नान करें। राधा कुंड जो है मथुरा वृंदावन में है, वहाँ पर जाकर के स्नान किया जाता है। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के उपाय करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को छठ की पूजा करनी चाहिए। पितृ दोष के उपाय जरूर कराइए। बछड़े वाली गाय की सेवा करें। रोज रात में गर्म पानी के साथ अजवाइन खाएं, और हरी मिर्च का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चने का भोग लगाएं, कुत्तों को खाना खिलाएं। इस तरह से अगर कोई उपाय करता है तो उसके जो है संतान की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से हम जो है अपने चैनल के माध्यम से हर एक तरह की जानकारी देते हैं। तो हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है आप हमारे को बताइए। अगर हमारे चैनल में कोई ऐसी बात है जो आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं और अगर आपको नहीं पता चल पाती है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, और अगर हम ऐसी कोई बात बताते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।